लाहौर का मौसम औसम, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। अंदरून शहर लक्ष्मी चौक, डेविस रोड, रेलवे स्टेशन पर भी बारिश। सप्तासार, समनाबाद, जे रोड, मार रोड पर भी बादल खूब बरसे। ठंडी हवा चलने से दर्ज हरारत गिर गया। महकमा मौसमियात की वक्फे के साथ बारिश की पेशगोई। मुर्गी का गोश्त एक बार फिर महंगा। चिकन की कीमत 3 रुपये इजाफे के बाद 579 रुपये किलो हो गई। अंडों की कीमत में इस्तेकाम, फी दर्जन अंडे 270 रुपये तक बिकने लगे। मुनाफाखोर आवाम को लूटने से बाज ना आए। मार्केट में फल और सब्जियां सरकारी नरखों के बरक्स महंगे दामों मिलने लगे। आम 380, खुबानी 350, आड़ू 320 रुपये किलो तक बिकने लगे। केला दर्जा अव्वल 400 और दर्जा दोम 250 रुपये फी दर्जन तक दस्तयाब। सब्जियों में भिंडी 130, आलू 90 और पालक 50 रुपये किलो तक फरोख्त। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी का टास्क। लाहौर पुलिस परवेज इलाही को गिरफ्तार करने में एक बार फिर नाकाम। पुलिस को जारी करदा लोकेटर भी परवेज इलाही का सुराग न लगा सके। पुलिस ने जहूर इलाही रोड को नाके लगाकर बंद कर दिया। जराए के मुताबिक परवेज इलाही की कानूनी टीम रात से ही उनकी रहायशगाह पर मौजूद। परवेज इलाही के वकील ने हाईकोर्ट से रुजू करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। ये क्या हो रहा है, कानून को क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा? एक केस से शहरी रिहा होता है तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। हम सब मुलाजिम हैं, तनख्वाह भी लेते हैं। हमें हुक्मरानी के लिए नहीं बल्कि खिदमत के लिए रखा गया है। खातून की बेटी की बासियाबी केस में जस्टिस अनवर उल हक बनू के रिमार्क्स। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपने बयान में कहा, 9 मई के वाकयात में जिना हाउस समेत अहम तनसीबात को नुकसान पहुंचा। जियो फेंसिंग के जरिए निशानदेही करके गिरफ्तारी की जा रही है। हाईकोर्ट ने आईजी पंजाब से मुकदमात में कार्रवाई और जियो फेंसिंग के तरीकाकार बारे रिपोर्ट भी तलब कर ली। बुलंद इमारतों की छतों पर पौधे ना लगाने वालों को 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाए। फसलों को आग लगाने पर 1 लाख के बजाय 2 लाख रुपए जुर्माना किया जाए। हाईकोर्ट का स्मोक के तदारुक के लिए जुर्माने में 100% इजाफा करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम की तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन भी तेज करने की हिदायत। निगरान पंजाब हुकूमत को काम से रोकने की दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस शाहिद करीम ने 2 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक अदालत ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। फ्रीकैन 6 जून को तहरीरी तौर पर जवाब भी जमा कराए। कौमी असम्बली के 2 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने दोनों हलकों में ज़िमनी इंतखाबात रोकने की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात से फंड्स और वसाइल का ज़िया होगा। पेशावर हाईकोर्ट भी इसी नौयत की दरख्वास्त पर इलेक्शन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर चुकी है। रियासती इदारों के खिलाफ गुफ्तगू करने और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ केस का फैसला महफूज कर लिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जिला कचहरी में पेश होकर हाजिरी भी मुकम्मल करवाई। अदालत से कैप्टन रिटायर्ड सफदर को केस से बरी करने की इस्तदा की गई है। अकबर चौक फ्लाईओवर और सिग्नल फ्री कॉरिडोर का मंसूबा। एलडीए ने अकबर चौक फ्लाईओवर की तामीर के लिए काम का आगाज कर दिया। तामीराती काम के लिए अकबर चौक के मुकाम पर हिफाजती शीट लगा दी गई। मंसूबे के तहत पीको मोड़ से जिना हस्पताल तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर तामीर किया जाएगा। अकबर चौक सिग्नल फ्री कॉरिडोर 31 जुलाई 2023 को मुकम्मल होगा। अकबर चौक सिग्नल फ्री मंसूबे में कोई दरख्त नहीं काटा जाएगा। कमिश्नर और डीजीएलडीए मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास। बैंक ऑफ पंजाब का एलडीए के मंसूबों में सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार। मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं, बैंकिंग सेक्टर के तआवुन से रिसोर्स जनरेशन के लिए बेहतर मौके हासिल किए जाएंगे।
आईजी पंजाब के डीएसपी तारिक कंबोज शहीद के घर आमद डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहीद के वर्षा की खैरियत दरियाफ्त की। शहीद तारिक कंबोज ने 16 दिसंबर 2000 को दहशतगर्द हमले में जामे शहादत नोश किया था। सेंट्रल पुलिस ऑफिस की एक इमारत को शहीद तारिक कंबोज के नाम से मंसूब किया गया है। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐप को उस्तादों के तबादलों के लिए खोल दिया गया। उस्तादों 2 जून तक तबादलों के लिए दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। मैनुअल तरीके से उस्तादों की दरख्वास्तें वसूल नहीं की जाएंगी। और पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया का बड़ा नाम मशहूर विलन मुजफ्फर अदीब के मुदाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। मुजफ्फर अदीब ने 400 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी मशहूर फिल्मों में मौला जट, जुल्म दा बदला, फिरंगी शामिल है। इन्होंने 50 के करीब स्टेज ड्रामों और चंद टीवी ड्रामों में भी काम किया।